हेलो दोस्तों, आज हम लोग स्टॉक मार्केट में कोई भी स्टॉक खरीदने के लिए पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। आप सभी का मेरी इस यूट्यूब चैनल अविनाश पटेल 0007 पे तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तो आप लोग किसी भी स्टॉक को खरीदना चाहते हैं तो उसकी करंट मार्केट प्राइस देखें। करंट मार्केट प्राइस 100 से नीचे रहेगी तो उसको नहीं खरीदना है, और उसका मार्केट कैप देखना है कि मार्केट कैप है वो 50,000 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए। उससे ज़्यादा रहेगा तो आप उसको खरीदने के लायक समझ सकते हैं। और ये जो सब बातें मैं बता रहा हूँ ये फंडामेंटल्स की बातें हैं कि कंपनी का फंडामेंटल कितना स्ट्रॉन्ग है। तो दूसरी कौन सी बात पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, तो यह है कि जो स्टॉक आप खरीदना चाहते हैं उसका जो बैलेंस शीट रहेगी, मतलब कि प्रॉफिट लॉस क्या हो रहा है कंपनी में, वो आपको उसमें नेट प्रॉफिट देखना है कि पिछले 4 से 5 सालों में वो कंपनी नेट प्रॉफिट में है कि नहीं है। अगर प्रॉफिट में जा रही है, प्लस ही आ रहा है सभी जगह पे, तो वो स्टॉक खरीदने लायक रहेगा। और दूसरी ध्यान देने वाली बात यह है कि कंपनी में FII और DII इसका इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा होना चाहिए। और दूसरी बात करें तो जिस भी स्टॉक में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी, यानी कि इन्वेस्टर्स प्रमोटर्स ज़्यादा होंगे, तो उस स्टॉक को कभी भी बाय नहीं करना है। तो आपको किसी भी स्टॉक को ख़रीदना हो तो उससे पहले उसकी जो फंडामेंटल्स बातें हैं वो सब आप डिटेल्स उसकी चेक कर लें कि उसमें FII और DII का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है या प्रमोटर्स का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। अगर प्रमोटर्स का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रहा तो उस स्टॉक को आप लोग खरीद सकते नहीं हैं, क्योंकि अगर उस स्टॉक को आप लोगों ने ख़रीदा तो आप लोग उसमें ट्रैप हो सकते हैं। तो आप लोग स्टॉक बाय करने से पहले इस बात पे ध्यान रखें। और अगर कोई भी स्टॉक है उसका प्राइस मानो कि 1 रुपया है, 5 रुपया है, और अगर आप इमोशनल होकर ऐसा सोच रहे हैं कि ये कंपनी का फंडामेंटल अच्छा है, ये फ्यूचर में आगे बढ़ सकता है, इसका 100 रुपया भाव हो सकता है, तो ये बात गलत है। आपको उसका जो मार्केट कैप है वो भी चेक करना पड़ेगा, और उसमें इन्वेस्टर्स कौन कौन है वो भी देखना पड़ेगा, उसका बैलेंस शीट देखना पड़ेगा कि कंपनी नेट प्रॉफिट में जा रही है कि लॉस में जा रही है, उसका डेब्ट कितना है, ज़्यादा है कि उसका लायबिलिटीज़ ज़्यादा है, वो भी देखनी पड़ेगी। और ये सब को देखते आप लोग स्टॉक को बाई करेंगे तो फ्यूचर में आपको प्रॉफिट मिल सकता है। और दूसरा टेक्निकल भी आता है, लेकिन पहले आपको फंडामेंटल्स पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, तभी आप लॉन्ग टाइम के लिए स्टॉक को बाय कर सकते हैं। अगर आप लोगों को स्टॉक मार्केट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट में लिखें और मुझे बताएं कि आपको कौन सी माहिती चाहिए, उसके लिए मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो बना सकूं। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में कमेंट में लिखें, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और लाइक भी कर देना इस वीडियो को, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। अगली बार भी कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आऊँगा, तब तक के लिए मिलते हैं, धन्यवाद।